हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मेज पर आके बैठ के वो करे जंग दोनों के लिए जो है ना मुनासिब नहीं है जैसा कि वैसे तो कौम जो है ना हमारी एक मुत्तहिद है अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हालात हुए तो ये जो है ना रुकने वाले नहीं है दोनों का नुकसान होगा बेहतर यही है कि दोनों ममालिक आपस में मिलकर अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें और एक टेबल पे टॉक करें और इसका मसले का हल करें पहली बात है कि जंग नहीं होनी चाहिए दोनों ममालिक जो हैं वो अंदरूनी तौर पे उनकी दिल की आवाज़ यही है कि जंग नहीं होनी चाहिए अभी जो जिस हालात जिस तरफ पहुँचे हैं वो सिर्फ इस वजह से पहुँचे हैं कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उनको जवाब बना के इंडिया ने ये हमला किया है पहले हमारी सरहदी खिलाफ वर्जी की है सरहदी खिलाफ वर्जी के जवाब में जो है अपनी हिफाजत में हमने ये इकदाम उठाया अलबत्ता जंग बिल्कुल नहीं होनी है